और वो तो इमाम हुसैन की मर्जी से थी, ही वॉज हैप्पी। अगर इमाम हुसैन चाहते पानी मिल जाए, पानी भाग के आता। लबे हुसैन पानी को नहीं तरसा था, पानी ही लबे हुसैन को तरस गया। इंटेंशनली ही वॉज हैप्पी नॉट टू ड्रिंक ए वाटर, ए ड्रॉप ऑफ वाटर। एक बात बताओ मुझे, क्वेश्चन करके चला जाऊंगा मैं, जवाब तुम ढूंढते रहना। जितने रास्ते पानी के आने के थे वो तीन थे, और तीनों को रोक दिया इमाम हुसैन ने। इमाम हुसैन पहला तो खुद ही जाते हो, लेके आ जाते, कोई क्या कर लेता। शेर खुदा का बेटा शेर खुदा है, उंगलियों पर खैबर को उड़ाने वाला, दरवाजा खैबर को उंगलियों से उठाकर फेंक देने वाले का बेटा। तो पहला तो ये था, जाते और लाते नहीं गए, खुद नहीं गए। और जब हजरत अब्बास अलमबरदार मुस्कीजा लेके गए तो पानी वापस आने नहीं दिया, वहीं शहीद हो गए। तो व्हाट इज इंटेंशन ऑफ इमाम हुसैन? ए अल्लाह, अगर यू लाइक मी थर्स्टी, आई विल बी थर्स्टी। ओ अल्लाह, यू लव थर्स्टी, आई एम थर्स्टी। यू लव हंगर, आई एम हंगरी। यू आर फॉर मी, आई एम फॉर यू। ए अल्लाह, तू मेरा है, मैं तेरा हूं। जो तुझे अच्छा लगेगा वो मैं अपनाऊंगा, एक्सेप्ट करूंगा। वरना ध्यान से चलो घर में, खेमे ज़ैनब में, और ध्यान से देखो, सब जमीन पे सो रहे हैं सवाय अली असगर के। आई वुड लाइक टू इनवाइट योर काइंड अटेंशन प्लीज। अली असगर जमीन पर नहीं लेटाए गए, पढ़ लो इतिहास, हिस्ट्री, तारीख। हमने जो जाना है उस देखा है कि कभी वो इमाम हुसैन की गोद में है, उन्होंने दूसरे को दिया तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन की गोद में है, कभी सैयदा ज़ैनब की गोद में है, कभी उम्मे रुबाब की गोद में है, और जब सब थक गए तो झूले पे है। ये करबला में झूला बनाने की क्या जरूरत थी? चार लकड़ियां करके उसमें चादर छोटी सी बना करके उनको जमीन पर क्यों नहीं रखा गया? क्यों नहीं फर्श पर लेटाया गया? क्यों झूले पर है? कभी गोद में है, आगोश में है, बाहों में है, झूले पर है, जमीन पर नहीं। क्योंकि जबरदस्त अंदेशा था, अंदेशा था कि अगर अली असगर को मैंने जमीन पर लेटा दिया तो कहीं इसकी एडियो की रगड़ से नया आबे जमजम ना निकल आए। ये वही अली असगर है जिसका सगा परदादा इस्माइल की एडियो की रगड़ से आबे जमजम निकल आया, कहीं इस बच्चे की एडियो की रगड़ से दोबारा पानी ना निकल आए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो खेमे में अगर पानी निकल आया तो ना पीने की क्या वजह होगी? वो राजी थे। यहां अजमेर में वो मामला नहीं था, यहां जो रोका टोका गरीब नवाज ने ठोका। बोले ये प्याला लेके जा, अनासागर से बोल, तुझे हसन संजरी ने बुलाया। दुनिया ने ये नहीं देखा कि अनासागर का पानी प्याले में गया कैसे, पर ये सबने देखा कि अनासागर सूख गए। जैसे ही अनासागर सूख गया, हाहाकार, दुनिया बेकरार, क्या करे सरदार,
पूरी फौज बेकार। एक वली के सामने वो बेकार हो गया जिसने 11 मरतबा गजनवी को, गौरी को, गौरी को 11 मरतबा हराया था हथियार से, वो हार गया ख्वाजा के किरदार से। समझो सूफी क्या होता है, व्हाट इज द स्टेटस ऑफ सूफी एंड सेंट एंड स्पिरिचुअल पर्सन। अवर कंट्री, होल इंटायर वर्ल्ड इज नीडी ऑफ स्पिरिचुअलिटी, नीडी ऑफ रियलिटी, नीडी ऑफ पीस ऑफ हार्ट। अब जब गए चमत्कार को नमस्कार, सलूट सलूट टू मिरेकल, पैर में गिर गए, ख्वाजा माफ कर दो। ख्वाजा था माफ कर दिया, राजा होता तो पनिश करता, ख्वाजा है माफ कर दिया। कहा जाओ ये प्याले को अनासागर के एरिया में झुका दो। किसी ने ये नहीं देखा कि प्याले से पानी कैसे गया, पर ये सबने देखा कि अनासागर लबालब भर गया। क्वेश्चन अराइजेज हियर कि जब इमाम हुसैन पे पाबंदी लगाई गई तो ख्वाजा गरीब नवाज से ज्यादा ताकत वाला, करामत वाला, इज्जत वाला, अजमत वाला, रिफत वाला, सियादत वाला, कयादत वाला हुसैन, ही इज नॉट यूजिंग हिज स्पिरिचुअल पावर। दरियाए फरात के पानी को खींचो आया नहीं, अनासागर को गरीब नवाज ने खिंचवाकर खेमे में बुला लिया। इमाम हुसैन के बेटे के बेटे के बेटे के बेटे की मुझे पूरा सजा याद नहीं है, न जाने कितने बेटों के बाद का बेटा गरीब नवाज, गरीब नवाज के वालिद के वालिद के वालिद के वालिद, न जाने कितने वालिद के बाद इमाम हुसैन। पर इमाम हुसैन करामतन पानी फरात से नहीं खिंचवा रहे हैं, गरीब नवाज हिंदुस्तान में अजमेर में अनासागर से करामतन पानी खिंचवा रहे हैं। ये दोनों के एटीट्यूड में डिफरेंस क्यों है? मैंने कहा भाई डिफरेंस देखने वालों, हमेशा डिफरेंस पैदा करते हो, अच्छा खासा सुन्नी चला रहा था, डिफरेंस पैदा कर दिया, अच्छा खासा साहब और अहले बैत के मानने वाले आ रहे थे, डिफरेंसेस ला रहे हो, ओ मिस्टर डिफरेंस, रियली यू आर डिफरेंट। हमें ड्यूटी अलग अलग है, ड्यूटी इज इंपॉर्टेंट। सीए अकाउंट देखता है बस, कंस्ट्रक्शन नहीं। इंजीनियर कंस्ट्रक्शन देखता है, ज्योग्राफी नहीं। फिजिशियन फिजिक्स देखते हैं, उर्दू लिटरेचर नहीं। सबकी ड्यूटी डिफरेंट है भाई। कोई प्राइम मिनिस्टर है, हिज ड्यूटी इज डिफरेंट, होम मिनिस्टर ड्यूटी इज डिफरेंट। यहां ख्वाजा गरीब नवाज और इमाम हुसैन की ड्यूटी अलग अलग है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, ख्वाजा गरीब नवाज की ड्यूटी कुछ और थी, इमाम हुसैन की ड्यूटी कुछ और थी। भारत में, इंडिया में गरीब नवाज आए थे इस्लाम फैलाने के लिए, फैलाने के लिए, फैलाने के लिए, और इमाम हुसैन करबला में गए थे इस्लाम बचाने के लिए, बचाने के लिए, बचाने के लिए, फैलाने के लिए, फैलाने के लिए। करामत चाहिए, बचाने के लिए इस्तेकामत चाहिए।
अल इस्तकामत फौक अल करम, इस्तकामत करामत पर भारी है, मेरा हुसैन गरीब नवाज पे भारी है। और अब तुम्हें स्पिरिचुअल इस्लाम को विद ऑनेस्टी करना है, ख्वाजा गरीब नवाज की आवाज में आप मिलाना है, उनके सुर से सुर मिलाना है। वो सूफी बनकर दुनिया से गए, हम उनके नक्शे कदम पर चलते रहेंगे तो हमें इस्लाम फैलाना भी आ जाएगा, इस्लाम बचाना भी आ जाएगा। वाखरो दावाना।